करीब 200 लोग आए हैं इनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन समारोह के लिए। कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी नियुक्ति वारंट का पठन हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री हरिभाव किशन राव बागड़े को उस तारीख से राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करती हूँ जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के जुलाई मास के 27वें दिन 5 श्रावण 1946 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया, हस्ताक्षरित भारत के राष्ट्रपति। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी बाय आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेयरबाय अपॉइंट श्री हरिभाव किशनराव बागड़े टू बी द गवर्नर ऑफ राजस्थान विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, गिवन एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली दिस 27th डे ऑफ जुलाई इन द ईयर 2024, 5th श्रावण 1946 शक इन द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से आग्रह करता हूँ कि आप कृपया माननीय राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएं। मैं हरिभाव किशन राव बागड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं जहां हरिभाव किशनराव बागड़े ने शपथ ली है राज्यपाल की, पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई गई। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है हरिभाव किशनराव बागड़े का, क्योंकि जब जब जो जिम्मेदारी दी गई बखूबी उन्होंने निभाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री भी रहे, 13 साल की महज उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और बहुत कम समय में उन्होंने लोकप्रियता भी हासिल की। पहली बार 1985 में भाजपा ने विधायक का टिकट दिया था और लगातार 5 बार जीत भी उन्होंने दर्ज की है, क्योंकि औरंगाबाद के फुलंबरी विधानसभा सीट से ही 5 बार के विधायक भी रहे हैं हरिभाव किशनराव बागड़े। लेकिन अब राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका स्वभाव रहा है, उनकी शख्सियत है, यही वजह है कि उनके विधानसभा से करीब 200 लोग यहां पर पहुंचे उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। और ये बेहद अहम तस्वीर है जहां
मौजूदगी हर आम खास की नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें ये आप राजभवन से देख रहे हैं। सत्ताईस जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किया गया था और आज शपथ ग्रहण की ये अहम तस्वीरें। और जयपुर पहुंचने के साथ ही आज शपथ ग्रहण से पहले गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचे थे हरिभाऊ बागड़े, और जहां परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और अब इसके बाद जिस तरह से तय समय था, ठीक 4 बजे शपथ लिए राज्यपाल के तौर पर पद एवं गोपनीयता की। अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल 21 जुलाई को ही पूरा हुआ था, जिसके बाद 27 तारीख को उन्हें नियुक्त किया गया राज्यपाल, और आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने। 1985 में औरंगाबाद पूर्व से विधायक बने थे और लगातार 5 बार विधायक भी रहे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया हरिभाऊ बागड़े ने। और चलिए हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम तस्वीरें हमने देखी जहां पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए राज्यपाल के तौर पर हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने। वहां से और क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, कौन से और VIP थे जिनकी मौजूदगी रही, खासतौर से अगर उनके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए जहां से वो आते हैं? योगेश शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका 50 साल का राजनीतिक करियर, 50 साल का अनुभव राजस्थान को मिल रहा है। बार से राज्यपाल आते हैं तो पूरी आज एक अलग तरह का जो राजस्थान को जो मिला है, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति का राजस्थान का राज्यपाल बनना, राजस्थान क्योंकि भौगोलिक रूप से यहाँ पर गांव की आबादी अधिक है, गांव अधिक है, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की अगर हम बात करें तो राजस्थान के नए राज्यपाल कराएंगी। और मुझे ज्ञान है ये 6ठे ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम तस्वीरें लगातार राजभवन से आप तक पहुंचा रहे हैं। जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जो राज्यपाल राजस्थान के बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े कितनी खास शख्सियत है, वो सबसे अहम बात हो जाती है कि जब एक एक्सपीरियंस जुड़ा हो, अनुभव काम आता है हमेशा, कुछ फैसले लेने हो, राज्य के विकास की बात हो, राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम होती है। और ऐसे में जब हरिभाऊ किशन राव बागड़े जैसे व्यक्तित्व को कमान राज्यपाल के तौर पर सौंपी जाए, वो भी राजस्थान जैसे राज्य की जो कि बेहद खास बेहद अहमियत रखता है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, शपथ के बाद की ये अहम तस्वीरें हैं। तो ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, शपथ लेने के बाद राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब सभी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहद खास ये कार्यक्रम था, सभी खास लोग यहाँ, लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रही। राजस्थान की बात कर ले तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी साक्षी बने
शपथ ग्रहण समारोह में मौजूदगी दर्ज कराई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष की भी मौजूदगी रही इस शपथ ग्रहण समारोह में। राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने। और ये तस्वीरें और चलिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, और जानकारी जरूर चाहेंगे कि कौन से और खास लोग थे जिनकी मौजूदगी रही है, खास तौर से क्योंकि बताया भी जा रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से भी करीब 200 लोग यहां पहुंचे इस शपथ ग्रहण।